हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी के उच्चारण के नियम की। बेटा, कई बार हम ये देखते हैं कि किसी समय तो हम सी को जैसे क रीड करते हैं, किसी समय सी को हम स रीड करते हैं, किसी समय हमें सी को श रीड करना पड़ता है। तो इस सी के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, जिन वजह से हम कभी सी को स पढ़ते हैं, कभी सी को क पढ़ते हैं और कभी सी को श पढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस समय सी को स, किस समय सी को क और किस समय सी को श प्रोनाउंस किया जाएगा। तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि यदि सी के बाद ई आई वाई आए तो सी को हम स प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राइस, राइस, पाइस, नीज, सर्कल, सिनेमा, साइकिल, आईसी, सिगार, साइक्लोन। आप नोटिस करेंगे बच्चों कि इन सभी सी के बाद या तो ई आया हुआ है, या तो ई है, या फिर आई है और या फिर वाई है। इसीलिए हमने इन सारे सी को सब प्रोनाउंस किया। तो आया समझ में कि यदि सी के बाद ई आई या वाई आए तो हम उन सभी सी को स प्रोनाउंस करेंगे। अब हम बात करते हैं सी को क प्रोनाउंस करने की। बच्चों, यदि सी के बाद ए ओ यू के आर या एल आए तो हम सी को क प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैट, कैट, कैविटी, कलर, कॉटेज, कट, कर्टेन, लॉक, डक, क्लीन, क्रूअल, क्रो। अब देखिए, इन सभी सी के बाद या तो ए आया है, या ओ आया है, या यू आया है, या के है, आर है, या एल है। इसीलिए हमने इन सभी के को क प्रोनाउंस किया, जबकि ऊपर एग्जाम्पल में सी के बाद ई आई या वाई था तो हमने उन सभी को स प्रोनाउंस किया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक मैं आपको देना चाहती हूँ बच्चों, कि जब भी हमने जैसे कि सी यू आर टी ए आई एन, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कर्टेन, लेकिन इसी के साथ एक स्पेलिंग होती है सी ई आर टी ए आई एन और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं सर्टेन। यहाँ हमने सी को स प्रोनाउंस इसलिए किया क्योंकि यहाँ सी के बाद ई है, और यहाँ हमने सी को क प्रोनाउंस इसलिए किया क्योंकि यहाँ सी के बाद यू है। इसके बाद हम बात करते हैं सी को श प्रोनाउंस करने की। अब देखिए बेटा, यदि सी के बाद आई ए आई, आई ए आई, तो हम सी को श प्रोनाउंस करते हैं। जैसे सोशल, म्यूजिशियन, फेशियल, रेशियल एंड मेनी मैनी मोर एग्जाम्पल्स, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें सी के बाद आई ए आता है। जहाँ भी सी के बाद आई ए होगा वहीं हम सी को स प्रोनाउंस करेंगे, जैसे इन सभी एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया। इसके बाद हम बात करते हैं सी को च। कई बार ऐसा होता है कि हम सी को च भी प्रोनाउंस करते हैं, सी को क प्रोनाउंस करते हैं, सी को श प्रोनाउंस करते हैं। एक्चुअली बच्चों, हम लोग अमेरिकन और ब्रिटिश लिटरेचर को फॉलो करते हैं या वहीं के प्रोनाउंसिएशन के रूल्स को फॉलो करते हैं, तो कुछ वर्ड्स में हम अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करने लग जाते हैं और कुछ में हम ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करने लग जाते हैं। उसी के हिसाब से यहाँ सी एच ई ए टी, चीट, यहाँ हमने सी एच को च प्रोनाउंस किया। सी एच ई डबल एच, चेस, यहाँ भी हमने सी एच को च प्रोनाउंस किया, लेकिन सी एच ई एम आई एस टी, यहाँ हमने इसको क प्रोनाउंस किया, केमिस्ट, यहाँ कैरेक्टर, यहाँ श प्रोनाउंस किया, शिफोन, यहाँ हमने मशीन में भी स प्रोनाउंस किया। तो इस प्रकार से स के प्रोनाउंसिएशन के, क के प्रोनाउंसिएशन के, सी के प्रोनाउंसिएशन के बहुत डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं। तो इन सभी को फॉलो करके आप उसे, उन सारे के सारे रूल्स को फॉलो करके
आप बहुत हद तक सी के प्रोनंसिएशन के रूट्स को सीख पाएंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, छोटे छोटे रूल्स को जानने के लिए, आप मेरे चैनल पर बने रहिए। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।